हेलो दोस्तों, यह वीडियो बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बिगिनर है जो चाहता है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग पहली बार करें, हमें किस तरीके से करना चाहिए, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। लाइव आपको मैं बाय करके दिखाने वाला हूं एक बिगिनर क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, पूरा मैं ए टू जेड बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं एंजल वन में बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से अगर आप एंजल वन ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा। अगर अभी तक आपने एंजल वन में अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके इसे एंड अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हैं और आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के साइड, यहाँ पर आपको निफ्टी इधर दिख रहा होगा एंड इधर साइड आपको बैंक निफ्टी दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट चालू है और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से चल रहा है। तो होम पेज पे यहाँ पर आपको होम पर आना है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो बिगिनर तो सबसे पहले आपको ऐड करना होगा मनी इसमें। तो पैसे ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है इधर साइड, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस यहाँ ऊपर के साइड दिख रहा है, ट्रेडिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो आपके अकाउंट में यहाँ पर जीरो लिखा रहेगा, क्योंकि पहली बार आपको यहाँ पर पैसे ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर इधर साइड आप देखेंगे तो ऐड फंड्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितना रुपया यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। मिनिमम आप 100 रुपये से लेकर आप अपने मर्जी के हिसाब से चाहे जितने इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको चूज मोड फॉर ट्रांसफ़र, यानी आप यहाँ पे किस मेथड से इसमें पैसे ऐड करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग, किसी एक ऑप्शन से आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे ईजी होता है कि गूगल पे के थ्रू आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको गूगल पे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही इसमें पैसे ऐड किया हुआ है तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको होम पर यहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंस्टेंट ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये फीचर काफ़ी अच्छा है एंजल वन में। अगर आप बिगिनर हैं तो यहीं से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आपके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें सिस्टम से बनाया गया है। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके देखेंगे तो ऊपर के साइड यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट आपको दिख जाएगा। तो इधर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है निफ्टी का चार्ट है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका चार्ट यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप निफ्टी का प्राइस आपको लग रहा है कि अब निफ्टी का प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इससे ऊपर जाने वाला है, तो आपको यहाँ पर दो इधर साइड आपको ग्रीन में बाई कॉल लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तब इस पर क्लिक करके बाई करेंगे तो जितना ऊपर जाएगा मार्केट उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब निफ्टी जो जहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है यहीं से अब नीचे गिरने वाला है, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बाई पुट वाले पर क्लिक करके बाई करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मार्केट जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो जैसे हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पर हम बाई कॉल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कई सारे प्रीमियम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ITM का मतलब होता है कि इन द मनी, और नियर OTM का मतलब होता है कि पास में जो ही OTM है, आउट ऑफ द मनी है, वो आपका दिख जाएगा। एंड OTM आपको लो कास्ट का यहाँ पे दिख जाएगा जो कि 83 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप आउट ऑफ द मनी के भी बाई कर सकते हैं, इन द मनी के भी आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, अलग अलग आपको प्राइस मिल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम ITM की बात करें तो 131 रुपये चल रहा है, और नियर OTM का प्राइस यहाँ पर 106 चल रहा है, 84 चल रहा है एंड 64 चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर आप इन द मनी बाई करते हैं, जैसे अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 133 रुपया, तो अगर इस वाले स्टॉक को यहाँ पर क्लिक करके अगर आप इसे बाई करेंगे तो
तो मार्केट जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा लगभग उतना पॉइंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर OTM बाई करोगे तो इसका जो प्राइस है थोड़ा सा स्लो बढ़ता है, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बस आपको समझना है कि इन द मनी अगर आप बाई करेंगे तो जो आपका प्रीमियम है वो बहुत फास्ट ग्रो करेगा, मार्केट जितना तेज़ी से ऊपर जाएगा उतना ही तेज़ी से आपका प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप OTM बाई करेंगे, आउट ऑफ द मनी बाई करेंगे, तो आपका जो प्रीमियम है थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करेगा। अगर साइडवेज रहेगा तो प्रीमियम डिके का भी आपको सामना देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा अगर आप ट्रेड करते हैं तो इन द मनी या तो नियर OTM, ये दोनों में आप बाई कीजिए। ज़्यादा अगर आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो आपका लॉस हो सकता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिकी होने का चांस होगा। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है कि आपको ITM में ही, इन द मनी में ही आपको ट्रेड करना है। तो ये सारी आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि ITM क्या होता है, OTM क्या होता है। तो इस तरीके से आप बाई कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर आप यहाँ से नहीं बाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में आना है। और वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सर्च करके भी बाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो निफ्टी का जो अभी प्राइस चल रहा है 17,695.94 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आपको अगर जैसे एट द मनी बाई करना है तो जो यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है वही सर्च कर लेना। जैसे अभी चल रहा है 17,695, तो सिंपली आपको यहाँ पर 100 या 50 का अंतर रहेगा। जैसे 17,700, 17,700, 17,800 इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि निफ्टी अभी जो चल रहा है इसी के आसपास हम बाई कर लेते हैं, तो 17,700 हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप 17,700 अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा निफ्टी। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट भी दिख जाएगा, 9 फरवरी का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का जो हमारा है 17,700 का कॉल एंड पुट आपको दोनों मिल जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाने वाला हो तब आपको बाई करना है, तो यहाँ पर आप कॉल को मतलब यानी CE आप बाई करेंगे तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट गिरने वाला है तब आपको प्रॉफिट बनाना है तो आप यहाँ पे PE बाई करेंगे, तब जितना ज़्यादा गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो जैसे हमें लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पर हम CE बाई करेंगे, 17,700 का CE। इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस भी आपको दिख जाएगा 132, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बाई करते हैं। यहाँ पर आपको ऐड करना तो समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको कोई एक निफ्टी का बाई करके मैं डेमो के लिए आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पर निफ्टी का एक यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं जिसका अभी प्राइस बहुत कम है, तो इसी को हम यहाँ पर बाई कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करना है, जब क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने यहाँ पर नीचे बाई और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम बाई करने वाले हैं तो यहाँ पर इस पर बाई वाले पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर देखेंगे तो प्राइस दिख जाएगा 3 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चल रहा है, 3 रुपये 55 पैसे के आसपास चल रहा है। क्योंकि मैंने बहुत आउट ऑफ द मनी डेमो के लिए आपके दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने बाई करके बाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर दिख जाएगा और इधर आपको दिख जाएगा कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। कैरी फॉरवर्ड अगर आप यहाँ पर क्लिक करके बाई करेंगे तो इससे जो प्रीमियम है इसे आप एक हफ्ते के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, एक एक्सपायरी तक इसे होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंट्राडे पर क्लिक करके बाई करेंगे तो इसे आप सिर्फ एक ही दिन तक होल्ड कर सकते हैं, यानी आज अगर आप 9:15 के बाद बाई करते हैं तो आप इसे 3:30 बजे तक ही होल्ड कर सकते हैं। इसके बीच में अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हैं अपने मर्जी से कभी भी, नहीं तो जैसे ही 3:30 बजेगा ऑटोमेटिकली आपको एग्जिट कर देगा, आपका प्रॉफिट होगा या लॉस कुछ भी होगा आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे और आपका आपके ऊपर फाइन भी लग जाएगा 50 रुपये के आसपास GST लगा के। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आप इंट्राडे अगर सेलेक्ट करते हैं तो एक ही दिन के अंदर आपको इसे बेचना है। लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो जो इसकी एक्सपायरी है 9 फरवरी इतने टाइम तक इसे होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंटर लॉट्स, मतलब जो निफ्टी का हम देख रहे हैं निफ्टी का लॉट साइज होता है 50
50 एक साथ आप 50 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, इससे कम नहीं। 50 की मल्टीपल में आप कितने भी बाई कर सकते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी बाई कर सकते हैं लॉट के साइज़ में। लेकिन आप 50 से कम अगर चाहते हैं कि हम बाई करें एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी, तो आप नहीं बाई कर पाओगे। इसमें आपको लॉट के अनुसार ही बाई करना होगा। बैंक निफ्टी का अलग होता है, उसमें 25 लॉट होता है, यानी आप 25 के मल्टीपल में बाई कर सकते हैं, और निफ्टी आप 50 के मल्टीपल में बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक इंटर करेंगे तो आप मतलब यहाँ पे 50 क्वांटिटी आप बाई कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एक इंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा लॉट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक लॉट बाई कर क्लिक कर दिए, यानी हम यहाँ पर एक लॉट बाई करने वाले हैं 50 क्वांटिटी। इसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लिमिट और मार्केट। तो चलिए हम बात करते हैं लिमिट क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अभी निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 3.90 रुपये के आसपास चल रहा है, और आपको लग रहा है कि निफ्टी का जो प्राइस और कम हो जाए, 3.5 रुपये के आसपास आ जाए, तब हम बाई करें। तो यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं कि इतने रुपये पर आएगा तो हम बाई करेंगे। जैसे अभी 3.80 रुपये के आसपास चल रहा है, हम यहाँ पर डाल देते हैं कि 3.50 रुपये आएगा, इस रेंज पे आएगा तब हम बाई करेंगे। तो यहाँ पर आप 3.5 लगा के यहाँ पर लिमिट लगा के यहाँ पर सिंपली बाई पर क्लिक कर देंगे, और बाई करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये ऑर्डर हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि अभी जो निफ्टी का प्राइस है 3.75 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन हमने लगाया है कि जब 3.5 रुपये के आसपास आए, इसके नीचे आए, तब हम बाई करें। तो इस तरीके से इसमें आपको जैसे ही 3.5 रुपये के आसपास आएगा, ऑटोमेटिकली ये बाई हो जाएगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं आपको तुरंत अभी बाई करके दिखाने वाला हूँ, तो इसको आपको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर एंड एडिट ऑर्डर का यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑर्डर को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे हम मॉडिफाई कर दें तो यहाँ पर एडिट ऑर्डर पर क्लिक करके यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका प्राइस और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो करंट अभी प्राइस चल रहा है उसी में हम तुरंत बाई कर लें, तो तुरंत बाई करने के लिए आपको यहाँ पर मार्केट पर क्लिक करना होगा, ये वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये मार्केट ऑर्डर लग गया है, अब जो करंट प्राइस चल रहा है उसी पर ये बाई हो जाएगा। तो हम अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसी पर हम बाई करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने मार्केट को सेलेक्ट कर लिए, लॉट साइज हमने एक किया है, और यहाँ पर हम कन्फर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही कन्फर्म किया तो हमारा ये ऑर्डर बाई हो चुका है। इसे देखने के लिए आपको यहाँ नीचे ऑर्डर वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आपको पोजीशन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे अगर यहाँ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा टोटल लॉस एंड प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाएगा, और इधर के साइड आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 2 रुपया 5 रुपये इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप बाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कैसे हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा जो एग्जिट बटन है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस का एक बटन आपको दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा ट्रिगर प्राइस, यानी किस पर आप इसे सेल करना चाहते हैं, किसके नीचे आ जाए तो आपको इसे सेल करना है। जैसे अभी इसका जो हमारा निफ्टी के जो प्राइस चल रहा है 3.55 रुपये के आसपास चल रहा है, और हमें लग रहा है कि जैसे ही 3 रुपये के नीचे आएगा हम इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ डाल देंगे 3 रुपया। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा 3 रुपया लग गया है, जैसे ही ये निफ्टी का प्राइस 3 रुपये से कम होगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 3 लगा के यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है, और आप देख सकते हैं हमारा ये ऑर्डर लग चुका है, यानी पेंडिंग में है। जैसे ही निफ्टी का प्राइस अभी जो हमारा 3.55 रुपये के आसपास चल रहा है, जैसे ही 55 पैसे कम हो जाएगा, 3 रुपये के आसपास आएगा, ऑटोमेटिक हमारा सेल हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लिमिट लगा सकते हैं, और इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिट ऑर्डर। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना ट्रिगर प्राइस को ट्रेल भी कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है और अब थोड़ा सा आप कम लॉस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसे 3 रुपये यहाँ से हम कर सकते हैं 3.50 रुपये मतलब अभी चल रहा है 45, तो हम यहाँ पे 3.30 यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो हमारा जो SL है ये ट्रिगर हो गया, यानी पहले हमारा जो 3 रुपये के आसपास था ये हमारा अब बढ़ के थोड़ा सा 3 रुपये 30 पैसे पे आ गया है। तो इसे आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं इस तरीके से मार्केट पे करके कि अब हमारा जैसे ही 3 रुपये 30 पैसे के आएगा तभी हमारा सेल होगा, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। तो अभी जो हमारा देख सकते हैं अभी जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है 3 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है, हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 रुपये 30 पैसे पे लगाया है। जैसे ही 3 रुपये 30 पैसे से कम होगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो अभी थोड़ा से देख सकते हैं यहाँ पर आने वाला है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस में ही सेल करना चाहते हैं, जो प्राइस चला ऑटोमेटिक नहीं, आप खुद से मैनुअली आप एग्जिट होना चाहते हैं, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है उसे हटाना होगा। हटाने के लिए कैंसिल ऑर्डर पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर यस कर देना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस लगा था वो हट गया होगा, और इस तरीके से अभी आप इस तरीके से आपको दिख रहा है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अब टारगेट लगाना। पहले मैं आपको बता देता हूँ टारगेट लगाने के लिए, यहाँ सिंपली आपको लिमिट पे आना है, और जो अभी यहाँ पे देखेंगे जो अभी प्राइस चल रहा है 3 रुपये 55 पैसे के आसपास चल रहा है, और आपको लग रहा है कि जैसे ही ये 4 रुपया जाए इसका प्राइस ऑटोमेटिक सेल हो जाए, तो यहाँ पर आप 4 रुपया इस तरीके से यहाँ पर इंटर कर दीजिए 4, एंड यहाँ पर लिमिट लगा के यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा टारगेट लग चुका है, जैसे ही 4 रुपये के पास जाएगा प्राइस ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट उतना 1 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट भी लगा सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आप कैसे खुद से इसे सेल कर सकते हैं बिना टारगेट या स्टॉप लॉस लगाए। आपको अपने मर्जी से जब मर्जी तब आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आप खुद से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपने लिमिट लगाया है उसे आपको हटाना होगा। हटाने के लिए यहाँ पर आप आएंगे, आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आना है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर टारगेट लगा है जो यहाँ पर हमें पेंडिंग दिख रहा है इसे सबसे पहले हटाना है। हटाने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके इसे कैंसिल कर देना है। कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ओपन ऑर्डर हट चुका है, और हमारे यहाँ पे पोजीशन आपको दिख रहा है। तो इस पर आपको फिर से आ जाना है, और यहाँ पर आपको इसे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको एग्जिट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मार्केट पर क्लिक करना है, जो प्राइस चल रहा होगा अभी करंट में उसी पर सेल हो जाएगा। तो हम अब चाहते हैं कि हमारा जो प्राइस चल रहा है उसी पर तुरंत सेल हो जाए, तो यहाँ पर हम मार्केट पर क्लिक करके यहाँ पर हम एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर यहाँ पर एग्जिट हो चुका है, जो हमने प्रॉफिट लॉस हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 रुपये का हमारा हुआ है, क्योंकि हम आपको डेमो के लिए यहाँ पे बता रहे थे, तो प्रॉफिट लॉस से हमें कुछ अभी यहाँ पे मतलब नहीं है। इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट, और इस किस तरीके से मैनुअली सेल करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुका हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।